नमस्कार छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दुर्ग दौरे पर रहे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार उन्होंने दुर्ग के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में उन्होंने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव और शिकायतें ली गई हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। वहीं प्रदेश भर में आए दिन बिजली समस्या पर कहा है कि भाजपा सरकार की देन है। बीते 15 सालों में बीजेपी ने जितने भी वायरिंग और ट्रांसफार्मर काम हुए हैं वो बेहद ही घटिया किस्म के थे, जिसकी वजह से प्रदेश में बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोहन मरकाम ने ये सब कुछ कहा। हमें लगने लगा था, मात्र लगता था, हमने 2018 के चुनाव में हम लोग ऐतिहासिक वोटों से ऐतिहासिक सीटों में जीते, 68 सीटों में। हमें लगने लगा था कि हम मतलब अब तो जनता हमको फिर से मतलब लोकसभा में जिताई। हम अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उन गलतियों को एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन में आने के बाद उन गलतियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। गलतियां होती है, उससे सबक भी लेते, हम गलतियों को ठीक करके नए से। सुकमा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा कतूफानी द्वारा आज भी जारी रहा। लखमा ने 10 साल से इंतजार कर रहे डुब्बा टोटा गांव को हाई स्कूल की सौगात दी है और मंत्री लखमा स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दी गई और 1500 लोगों को जाति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं लखमा ने सुकमा को कई सौगातें देने का भरोसा दिलाया है। उस सपना को पूरा करने का माननीय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 7 महीना में 85 स्कूल आश्रम गांव में व्यवस्था कर रहा है, इसलिए हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री को कोंटा का जनता का ओर से, सुकमा जिला के गरीब लोगों के तरफ से, सुकमा जिला के व्यापारी और गरीब लोग तरफ से, कर्मचारी तरफ से, मैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूँ। त्रिपुरा के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रमेश बैस रायपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनका बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें ने लेने के लिए यहां पर विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त भी पहुंचे और श्री चंद सुंदरानी, नारायण चंदेल समेत कई नेता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मौके पर रमेश बैस ने कहा कि मैं हमेशा से ही कहता था कि पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगा। मुझे त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है, मैं इस पद के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करूंगा। बुजुर्ग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, आज लग रहा है ये गलत नहीं है। त्रिपुरा के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस छत्तीसगढ़ पहुंचे और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। सर, पहले तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। किस तरीके से जानकारी मिली को आपको राज्यपाल बनाया गया? मोदी जी का फोन आया रात को 2 कि बैस जी पार्टी आपको कुछ जवाबदारी देने की सोच रही है। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझको जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। मैं दो तीन दिन में पता लग जाएगा आपको क्या मिलने वाला है और कौन। क्या आपकी जानकारी में थी कि क्या बड़ा? मेरी कोई जानकारी में नहीं थी कि जवाबदारी क्या है, कि संगठन में भी हो सकता है और कोई राज्यपाल का भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी बना सकते थे। आपने एक बात कही कि सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है और जो आज प्रमाणित हो गया है। राजनीति में कोई अंतिम नहीं होता? हाँ, राजनीति में कोई अंतिम नहीं होता। कोई टिकट कट जाए और सोचे कि मेरा खत्म हो गया, वो गलत सोच है। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है और इसीलिए जब उतार होता है तो कार्यकर्ता को निराश नहीं होना चाहिए और जब कोई पद मिलता है तो खुशी ही नहीं होनी चाहिए। ये थे त्रिपुरा के नवनियुक्त राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी के भीतर। और हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान जब रमेश बैस की टिकट कटी थी रायपुर लोकसभा सीट से, तो बीजेपी के भीतर और पॉलिटिकल सिनेरियो में चर्चा थी कि उनका पॉलिटिकल करियर अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, रमेश बैस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कहते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही थी और उस जिम्मेदारी राज्यपाल के रूप में सामने आई है। रमेश बैस जल्द ही त्रिपुरा जाकर गवर्नर पद की शपथ लेंगे। कैमरामैन जगन्नाथ राव, आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस।
रायपुर में जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने बारिश के लिए यज्ञ शुरू किया है। दरअसल पूरे प्रदेश में बारिश नहीं होने से सूखे के हालात बन रहे हैं। प्रदेश के 12 जिले और 73 तहसील सूखे की कगार पर हैं, इसलिए सभी लोग बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रदेश में बन रहे सूखे के हालात के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने बंगले में यज्ञ का आयोजन कराया है। बारिश कुछ दिनों से प्रदेश में नहीं हो रही, इस वजह से 12 जिलों के 73 तहसील ऐसे हैं जहां पर सूखे के हालात बन रहे हैं और उसी बारिश के लिए यहां पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ अजीत जोगी जी हैं, उनसे बात करते हैं। जोगी जी, काफी चिंता का विषय है, देखा जाए तो काफी चिंता का विषय है। 73 तहसील ऐसे हैं जहाँ सूखे के हालात बन रहे हैं, आपने यहाँ आयोजन कराया है। दो तिहाई छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ गया है और एक दो दिन में पानी नहीं बरसा तो लगभग पूरी जो आशा है धान के उत्पादन की वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए आज हम लोग अपने अपने इष्ट से पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पर कृपा करिए, यहाँ बरसात करिए और छत्तीसगढ़ को इस भीषण अकाल से का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कुछ ना तो कुछ दया करनी। किसान काफी चिंतित हैं जोगी जी, और हमने कई जिलों का भी दौरा किया, काफी परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे ब्लोदा बाजार का इलाका हो चाहे धमतरी हो, सब ज्यादा किसान यहाँ रहते हैं लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं खुद भी एक छोटा किसान हूँ, जो खबरें आ रही हैं और लोग कह रहे हैं अगर एक दो दिन में पानी नहीं गिरेगा तो जो फसल बोई गई है उसको मवेशी के चराने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। ये ऐसा अकाल हम लोगों ने बहुत वर्षों में नहीं देखा है और इसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंत में आदमी इंसान ईश्वर के पास ही जाता है, तो अब ईश्वर के पास जाने का फैसला किया है। क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि सूखे के हालात बने हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित जो यहाँ के किसान हैं वो होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर प्रार्थना सभा और यज्ञ का आयोजन कराया गया है और उम्मीद है लोगों को कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही अच्छी बारिश होगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा स्वराज। रायपुर में संजीवनी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ठेका प्रथा बंद करने की बात को लेकर यहाँ पर और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर भी हजारों की संख्या में वादा निभाव रैली निकाली और कर्मचारियों ने रैली के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए, जहां पुलिस ने रैली को स्प्रेशाला स्कूल के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद कर्मचारियों ने वाहन पर मौजूद एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भूपेश बघेल जी पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते हमारे मंच पे मंचस्थ होकर के उन्होंने वादा किया था कि भाई आप लोगों को आपकी जो कार्य क्षमता है उसके आधार पे आप लोगों को मूल्य मिलेगा और ये जो ठेका प्रथा है इनको हटाया जाएगा और उन्हीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के न्यूनतम मजदूरी दर, जो कार्य में बाहर हैं उन सब साथियों को वापसी, इन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज हमारा वादा निभाव रैली एक दिवसीय रहा। दंतेवाड़ा जिले के बेला द्वीला पर्वत श्रृंखला के नजरअंदाज जो नंदराज पहाड़ पर स्थित एनएमडीसी की डिपॉजिट 13 नंबर की खदान स्वीकृत के लिए बयान दर्ज किए गए। ग्राम सचिव और एनएमडीसी अधिकारी, पंच, सरपंच सहित कुल 56 लोगों के बयान दर्ज करने के मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई है। अधिकारियों की माने तो दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर एक हफ्ते के भीतर ही रिपोर्ट पर फैसला आ सकता है। वहीं सुकमा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में इनामी नक्सली को मार गिराया। नक्सली के ऊपर 1,00,000 का इनाम था। पुलिस के मुताबिक नक्सली की पहचान आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में हुई है। नक्सली के पास से पुलिस ने 2 देसी हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे डीआरसी का बल कल शाम को रवाना किया गया। आज सुबह सुबह जब वो लोग इलाके की सर्चिंग कर रहे थे तो नक्सलियों ने फायरिंग की और हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के बाद इलाके की सर्च करने पर लोगों को एक नक्सली की डेड बॉडी मिली
उसकी पहचान जब करवाई गई तो पता चला कि वो उस इलाके का आरपीसी अध्यक्ष है, उसका नाम मरकम मिर्मा है और इसके ऊपर 1,00,000 का इनाम था, साथ ही साथ दो देशी हथियार भी हमको वहां पकड़ा। धमतरी जिले के कुरमा चौराई स्कूल के छात्रों ने परिजनों की मौजूदगी में स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर दी। छात्रों की शिकायत है कि स्कूल की प्राचार्य समय पर नहीं स्कूल आती हैं और उसका व्यवहार भी सही नहीं है, जिससे स्कूल का माहौल काफी खराब हो गया है। मामले की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से जिला कार्यालय में अटैच कर दिया है और शिकायत की जांच के लिए एक जांच दल भी बनाया गया है। आज जो प्रिंसिपल महोदय है ना, उसको ट्रांसफर के लिए हम लोग ये तालाबंदी का काम किया। इनका जो रवैया ठीक नहीं है, बच्चे लोग भी संतुष्ट नहीं है और इनका शिक्षक लोगों से भी तालमेल ढंग से जमता नहीं है। मुझे संकुल समन्वय के माध्यम से मालूम चला कि तालाबंदी कर दी गई है और तत्काल हमने डीओ सर से भी संपर्क किया और चूंकि कुछ प्राचार्य महोदय के साथ में इशू है तो उनको अभी तत्काल डीओ कार्यालय में संलग्न कर दिया। रायपुर के एक होटल में जीएसटी की टीम ने छापा मारा है, जहां अगर बात करें काफी वक्त से जीएसटी नहीं भरने की शिकायत मिल रही थी। जीएसटी की टीम ने होटल के मालिक को जीएसटी नहीं भरने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। ये होटल वन विभाग के एक अधिकारी का है और किराए पर चल रहा है। वहीं रायगढ़ में शादी में आए रिश्तेदार से मोबाइल लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात कोतरा रोड थाना के अंतर्गत भगवानपुर में हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वप्निल सैनी एवं राजा सोनी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। बता दें कि मेदिनी सिंह ठाकुर ने शिकायत की थी कि उनके रिश्तेदार किशोर राज ठाकुर के साथ अज्ञात लोगों ने भगवानपुर रोड में मोबाइल की लूट की थी। किया गया और पता तलाश के दौरान से दोनों आरोपी स्वप्निल सैनी और राजा सोनी दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड किया गया। कोरबा में रेलवे ट्रैक पर कोयला बिन रही बुजुर्ग महिला की मालगाड़ी की चपेट में जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं केस दर्ज कर जांच करने की बात पुलिस ने कही। इसकी उम्र 90 साल बताए हैं। क्या नाम है? नाम इसके झूल कुंवर, पति घासी सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले? ये इंदिरा नगर दुर्गा रोड की रहने वाली है। वक्त पर आप छोड़ से देखकर जल्द होंगे हाजिर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्टिंग बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंसिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISEC University, the pioneers in skill development, which focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. क्या राजनीतिक विद्वेष के चलते एक बार फिर हो रही व्यापम की जांच? सत्ता के दबाव के चलते क्या निष्पक्ष हो पाई थी सीबीआई की जांच? व्यापम घोटाले से प्रभावित छात्रों को क्या कभी मिल पाएगा न्याय? जनता मांगे जवाब में आज व्यापम इज बैक, रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कोरिया जिले के चिरमिरी में पुलिस ने गश्ती के दौरान एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 70 किलो ताबे का तार बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि प्लांट में ताबे का केबल
जो काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और दे रहे थे, वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके जांच करने की भी बात कही। बिजली के तार के चोरी होने की खबर आई, इसके भारत की श्रम विधान के FIR कर चुकी में लिया गया और तत्काल इसमें वरिष्ठ अधिकारियों मोहम्मद पराक्रम सिंह गणेश पर एक टीम गठित की गई, जिसके द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने इनके पास से केबल वायर होकर जब्त किया गया है और जिन्होंने इस केबल को खरीदा था उस आरोपी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, तथा कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिया। जगदलपुर की रेलवे कॉलोनी से एक युवक 13 दिन से लापता है। युवक के परिजनों ने थाने में मामले की शिकायत की है, जिसके बाद युवक की तलाश में बस्तर पुलिस अधीक्षक ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। जानकारी के मुताबिक युवक 9 जुलाई से लापता है और 13 दिन के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं पुलिस लगातार उसके परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर रही है। अपराध के तौर पर अभी इसकी जांच विवेचना चल रही है और इसको गंभीरता से लेते हुए जो है इसकी जांच के लिए जो है एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु भावेश समरज के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम है और इस टीम के द्वारा जो है इनके आसपास के जो मित्र हैं, परिवार वाले हैं, इनको जो है नियमित तौर पर पूछताछ किया जा रहा है। नगर निगम दुर्ग की बजट बैठक आज समाप्त हो गई है। 4 महीने से 4 बार विफल रहने के वाला ये बजट आज सदन के बहुमत के आधार पर नाटकीय ढंग से पारित हो गया। बजट बिना कांग्रेसी पार्षदों के बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। जिन मुद्दों को लेकर पिछले 4 बार से विफल रही सामान्य सभा में आज भी वही मुद्दे गायब रहे। महापौर ने 4,23,00,00,000 का बजट पारित कर दिया है, जिससे हित और राजनीति की जंग में राजनीति की जीत रही। पीछे की स्वीकृति जो था, पूर्व की स्वीकृति उसको नहीं ला सकता था क्या? 14 करोड़ की बात तो थी, कौन सी बड़ी रकम थी? क्योंकि वो 14 करोड़ सभी वार्ड का स्वीकृति था। अब 5 करोड़ में कैसे किस वार्ड को कैसे किस तरह से बांट सकते हैं? 10-10 लाख भी नहीं मिल पाएगा, ये स्थिति है। 5 करोड़ इस विषय पर हम लोगों ने जवाब चाहा। दूसरी बात, बजट पर बहुत ही अच्छी हम लोगों ने योजना लाए थे, बजट में जनता की हित छुपा था और इस विषय पर भी कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया, लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि उन्हें के कांग्रेस के आधे लोग बहिष्कार करके चले गए। सभापति जी ने बहुत अच्छा सदन चलाने की कोशिश किया, लेकिन उन्हें न्याय संगत कार्य करने का मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए पुलिस ने ई रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के तहत आरंग में भी ई रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के बीच जाकर पुलिस के अधिकारियों ने साइबर क्राइम के प्रति छात्रों को जागरूक किया और इस प्रोग्राम के तहत 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को फेसबुक, व्हाट्सएप के संचालन से लेकर उसमें बरती जाने वाली सावधानियों समेत साइबर क्राइम के तहत कानून का प्रावधान के बारे में बताते हुए ऑनलाइन लेन देन संबंधी सावधानी के तरीकों से अवगत किया। पुलिस का मानना है कि बच्चों को इसी उम्र से प्रशिक्षित किया जाए तो आने वाले समय में साइबर क्राइम से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। हर मोबाइल से अपना नंबर डायल करते हैं, 10 धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इस साल कम बारिश के चलते धान की खेती पर संकट के बादल हैं और इससे निपटने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इन्हीं के तहत बलरामपुर के कलेक्टर संजीव झा ने किसानों की इसी चिंता को देखते हुए एक अनौठी योजना संचालित की है। इस योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सहायता से गांव की महिलाओं को रागी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक महिला एवं स्व सहायता समूह के सदस्यों को उन्नत तकनीक से रागी की खेती करने के तरीके बताए जा रहे हैं और साथ ही निःशुल्क बीज वितरण भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को कम बारिश में भी अच्छी उपज मिल सके। मैं व्हील में जोर देना है, साइकिल का पहिया में जोर देना है, उसको देना है। अभी भी अगर बारिश में कुछ सुधार हो गया तो वो फसल अच्छा रहेगा। इस साल जो है बारिश कम, बारिश होने वाले सालों में दलहन खेती अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि उसमें निंदाई गुड़ाई वगैरह का काम भी किसान अच्छे से करे, जतन भी अच्छे से करे तो उत्पादन होगा, नहीं तो फिर
बारिश कम होता है तो घास का भी बहुत प्रमाण बढ़ जाता है कहते हैं। कांकेर की न्यू कम्युनिटी हॉल में दिव्यांगों के मेडिकल प्रांगण में पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन समाज कल्याण विभाग की ओर से किया गया। शिविर में पूरे जिले से बड़ी संख्या में दिव्यांग और उनके परिजन पहुंचे। शुभारंभ के बाद अतिथियों के लौटते ही जैसे डॉक्टरों ने दिव्यांगों का मेडिकल चेकअप शुरू किया, लेकिन भीड़ डॉक्टरों के चारों ओर लग गई थी जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। परेशान होकर डॉक्टर शिविर ही लौट गए और शिविर से इसके बाद दिव्यांग और उनके परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी कलेक्टर मौके पर पहुंचे और डॉक्टरों को वापस बुलाकर दिव्यांगों का परीक्षण शुरू कराया। बलौदा बाजार में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुपोषण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बच्चों को अन्न प्रशासन कराया गया और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उपाय बताए गए। वहीं इस मौके पर विधायक प्रमोद कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन के लिए लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही विधायक ने पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। सभी में से जी बोलिए, जी जी बोलो जी। राजीव ऑपरेशन थिएटर अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, इसलिए जरूर। किलो कोराइंश्वर आदिवासी बाहुल्य तमनार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कर्मचारियों ग्रामीण समेत युवाओं ने भी रक्तदान किया। डॉक्टर डी एस पैखरा ने कहा है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। रोजाना रक्त की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति लोगों के द्वारा रक्तदान करने से ही पूरी हो पाती है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आसपास के गांव से भी काफी लोग आए हैं और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है लोगों में रक्तदान ब्लड डोनेशन का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। रक्तदान बहुत जरूरी है और ये हम करके इसलिए रख रहे हैं कि कभी भी किसी को जरूरत हो तो अगर उसमें वो उनके ग्रुप का ब्लड नहीं भी कोई देने वाला आदमी मिले तो पहले से अगर ब्लड बैंक में ब्लड होगा तो उनको देकर उनके जीवन को बचाया जा सकता है। जीवन बहुत। ऑपरेशन गणेश में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्पाती हाथी गणेश को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने टैंक्रोलाइज कर लिया है और फिलहाल थोड़े वक्त तक इंतजार किया जा रहा है। वन विभाग को ये कामयाबी कोरबा के हाथी गांव में मिली। इस बात की जानकारी पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला ने दी है। गौरतलब है कि पिछले दो सालों से 24 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हाथी गणेश को काबू में करने के लिए वन विभाग ऑपरेशन गणेश चला रहा है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बीजी